अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम काविश के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इमरान नकवी। और आज इस प्रोग्राम में जो खुसूसी शिरकत फरमा रहे हैं साबिक वजीर तालीम सिंध, साबिक जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, साबिक वाइस चांसलर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो पहली लॉ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कायम हुई उसके पहले वाइस चांसलर, और साबिक चेयरमैन फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल बुक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मेरी मुराद जनाब जस्टिस रिटायर काजी खालिद अली साहब से। आज वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है और जरा उनसे जानते हैं आजकल के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे से बात भी होगी, और जाहिर तालीम के मैदान में बहुत काम किया काजी साहब ने। काजी साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका और इनवाइट करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब आप उस वक्त जो है जाहिर आपने जो भी शोबे चुने वो सब के सब एजुकेशन के हवाले से बड़े बड़े ही अहम ओहदे आपने पाकिस्तान में जाहिर है उसको सर्व किया है। तो अभी जो हालिया आपने जो ओहदा जिससे आप सुबुर्दोश हुए चेयरमैन फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल के हवाले से था, तो इसके हवाले से आप बताएंगे कि पाकिस्तान डिजिटल लॉ अकेडमी का क्या क्या काम अंजाम देती है और क्या काम है इसका? फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल आइन के तहत फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 के तहत ये कायम किया गया, और बुनियादी सही तौर पर ये वफाकी सरकारी मुलाज़मीन की मुलाजमत के हवाले से ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की हाईएस्ट फोरम है। फेडरल सर्विस सही ट्रिब्यूनल की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होती है, सही और इसके जो 12 अराकीन और एक चेयरमैन है, फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मेन कैंपस है। और जी मेरे दोस्त अल्लाह ताला की मेहरबानी से पिशावर और मुल्तान में भी हमने इसके लिए, इस कयाम के लिए काफ़ी वफाकी हुकूमत के ताउन से काम किया। तो मुलाजमत में बरतरफी, प्रोमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, इस तरह के जो ग्रीवेंसेज के लिए स्पेशल लॉ के तहत ये बनाया गया सही सही। है। तो काई साहब इसमें जाहिर आप एज ए चेयरमैन काम किया, तो ये जो मतलब जो स्टाफ के लिए होता है मतलब जो स्टाफ मेंबर जो होते हैं जो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के उनके लिए है या पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए का इसको क्या फायदा है इसका इस इदारे का? नहीं, इसमें ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन इसमें अपील कर मुलाजमी सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट या अदलिया के जो मुलाजमीन हैं वो फेडरल जी सर्विस ट्रिब्यूनल के दायरा इख्तियार में नहीं आते। सही ठीक। ये उनके उनके लिए ये इदारा कायम है और आप उसके माशाल्लाह चेयरमैन रह चुके, आपने जाहिर बहुत जी हाँ, काम किया खासतौर पर तालीम के हवाले से बहुत काम किया। काई साहब आपका ताल्लुक कराची से है और आपने कराची में सिंध के सूबाई वजीर के तौर पे भी तालीम के हवाले से काम किया। आजकल के जो हालात इस वक्त मौजूदा हालात कराची के या सिंध के हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल में है लोग आजकल, जैसे बारिशें हो रही हैं बहुत मुश्किल का शिकार है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे जो है फैसले किए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं आप? आपने बिल्कुल बजा फरमाया, यही सूरत हाल है। और इसमें वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी इंशाल्लाह आती जाएगी। और असल बात पहले तो एलोकेशन ऑफ बजट का होता है जी कि जो तरक्याती मंसूबों के लिए और जितने गंभीर मसाइल हैं उनके हल के लिए खातिर ख्वाह बजट में रकम मख्तस नहीं की जाती। सही दूसरा मरहला फिर इनके अखराजात को खर्च करने का है। तो ये सब मसाइल हैं जो काफी गंभीर हो चुके हैं, और मौजूदा दौर में भी कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन अभी तक असल
मसाइल की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक ना तो फंड्स को एलोकेट किया जा सका है और ना ही जो मंसूबे ऐलान किए गए उन पर अमल दरामद हो सका। भाई साहब इसमें गलती किसकी है, मतलब अगर कराची जैसे शहर को जो इतना ज़रा मुबादला देता है अगर उसको इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है और इस तरह के हालात है कि ना उसके लिए बजट मुख्तस किया जा रहा है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, आपको किसको जिम्मेदार समझते हैं और क्यों अदलिया के फैसले तो इसके हवाले से आए हुए हैं? असल में अदलिया तो अपना काम करती रही है और बड़े नामसाइद हालात में भी अदलिया ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा किया है। लेकिन अदलिया के फैसले भी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट बाज़ोकात नहीं किए जाते और यही मसले कराची के हवाले से भी हैं, क्योंकि अदलिया ने एक से ज़्यादा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक से ज़्यादा मरतबा मुख्तलिफ उमूर के ऊपर पब्लिक एट लार्ज के मसाइल को हुक्म दिया है, लेकिन उस पर अमल दरामद इतना नहीं हो सका और इसकी अभी भी मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेरे समात हैं। साहब मुझे ये बताइए कि क्यों, ये वजह क्या है कि हर चीज बहुत डिले हो जाती है, मतलब इतना इतना टाइम एक छोटे से जो फैसले अभी जो गुज़िश्ता दिनों हुए हैं वो क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे कि उसको इतना ज्यादा डिले किया गया, पूरी कौम की नजर उसके ऊपर होती है और फिर वो फैसला आता है, तो क्या मुश्किल क्या है, मतलब अदालतों की अदालती निज़ाम पोशीदा हो चुका है तो उसके सीधा करने के लिए, सही करने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जाए इसकी? ये बड़ा, मेरे ख्याल है ये इशू जो है ये पिछले 70 साल में इस इशू को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने बड़े काम किए लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो जो अच्छा इसमें इमरान साहब, मेरा ख्याल है अदालती जो अफसरान हैं उनकी भी कमी है, अमले की भी कमी है और पॉपुलेशन 22 करोड़ के लगभग है, तो उस हिसाब से ज़रूरत इस बात की है कि अदालती जजेस समेत तमाम की तादाद में इजाफा किया जाए, बिल्डिंग्स के हवाले से, इक्विपमेंट्स के हवाले से बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मतलब ज़रूरत है और ये बात बहुत पहले से जितने जस्टिस साहिबान गुजर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के उन सब ने इसको निशानदेही की, लेकिन अमल क्यों नहीं कर पाया आज तक, ये मेरा आपसे सवाल। नहीं, इसमें अमल भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि अमल नहीं होता, और जो मेरा ख्याल है हमारे पुराने और नए अदालती फैसलों और अदालती फैसलों की तादाद मंजर आम पर इतनी नहीं आ पाती, जजिस तो बहुत लाखों के हिसाब से मुकदमात का फैसला होने के बावजूद भी एरियर्स और बैकलॉग मौजूद है, तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस तरफ फंड्स की फराहमी के लिए, अब जैसे जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस बहुत अच्छे थे और उन्होंने भी काफ़ी अहकाम दिए अदालतों में जजेस की तैनाती के हवाले से भी, जी तो उस पर कुछ अमल हुआ और काफ़ी पर अमल भी नहीं हुआ, तो ये मसले बड़े गंभीर हैं और कौमी सतह के ऊपर इनको हल करने की बहुत ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वसीदा हो चुका है
बहुत सीधा हो चुका है वो, अगर हम उसको चेंज करना चाहें, क्योंकि देखें दुनिया बहुत जदीद होती जा रही है। माशाल्लाह से आप बर्तानिया में, आपके सामने यहाँ का जो लॉ सिस्टम है, और आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आपकी बेटी और आपके फर्जंद जो है दोनों यहाँ से पास आउट हुए हैं, आला तालीम उन्होंने यहाँ से लॉ की जो है हासिल की है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या बहुत हम इस शुक्रिया। निज़ाम, बरतानिया का जो निज़ाम है, जैसे मौसम बदलता है, जैसे हालात बदलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता रहता है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो क्या यहाँ का जो निज़ाम है उसको वहां अप्लाई किया जा सकता है? असल में बुनियादी तौर पर जो हमारे अदालती निजाम या कानून जो है वो ब्रिटिश कॉमन लॉ पर ही बेस करते हैं। सही। लेकिन जैसा आपने फरमाया आईन के हवाले से, तो वो इमरान साहब हमारे यहाँ भी तरामीम होती रहती हैं, और 24वीं आईनी तरमीम भी हुई है और 18वीं आईनी तरमीम भी बड़ी अहम हुई है। तो उसमें पूरा अदालती निज़ाम 18वीं आईनी तरमीम में पूरे उसको रिवैम्प, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से आर्टिकल 175A इंट्रोड्यूस किया गया, और जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी भी कायम की गई। तो आइन में अमेंडमेंट आती रहती हैं, और हमारे यहाँ कानून साजी और का जो अमल है वो बाकायदा चलता रहता है। लेकिन आइन में और कानून में तमाम तरामीम के बावजूद जो अमल करने का मरहला है वो काफी जो है क्वेश्चनेबल है। तो जो भी सिस्टम है उसको हम जी अपने अदालती निज़ाम को बोसीदा नहीं कह सकते। जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है और जो आईन है वो बैनुल अक्वामी उसूलों के ऐन मुताबिक है, और तरामीम होती रहती हैं तो मतलब जो आईन हमारे की तब्दीली की जरूरत नहीं है अभी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं अभी आईन की तरामीम के तब्दीली लिए की तो जरूरत है? नहीं, आइन को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तो आइनी तरामीम आती रहती हैं और आती रहेंगी। जी सही। तो मतलब ये तरामीम जो है वो आती रही, लेकिन काई साहब हमने जो देखा है, जो फैसले देखे हैं, जाहिर सियासी फैसले अपनी जगह, लेकिन जो आम पब्लिक के फैसले हैं बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। मतलब अंदाजा लगाइए कि हमारे जो जेलों में लोग मौजूद हैं वो 15-15 साल से, 20-20 साल से, और पता चलता है 20 साल बाद उन्हें पता चलता है कि वो तो उनका तो उसमें कोई कसूर ही नहीं था बेचारों को। तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदालतों के ऊपर। ये आप सही फरमा रहे हैं, बल्कि जो है पिछले मेरे ख्याल 3 साल पहले तो ऐसा भी सामने आया कि जो अपील कुनंदा था जी उसका जेल में इंतकाल भी हो चुका था और उसके बाद अपील जेर समात आई। तो ये आप जी वजह जी फरमा, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। लेकिन जी इसमें मैंने इसमें जो जजिस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है, जितने मुकदमात हैं उसके हिसाब से जो अदालतें हैं, अदालती अमला है, अदालती अफसरान हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट की और इन्हांसमेंट की बड़ी जरूरत है। और आमिर इमरान साहब, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको अर्ज करूं, जी पाकिस्तान में ये अदलिया या अदालतें वाहिद इदारा है जो सुबह टाइम के ऊपर ओपन कोर्ट में सब जजेस आके बैठ जाते हैं और काम हो रहा होता है। जबकि कोई बाकी, अगर मैं किसी की इज्जत और तौकीर में कमी के बगैर अर्ज करूं, बाकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या सरकारी अफसरान है वो तो अवाम की दस्तक है ही नहीं, उन तक पहुंची नहीं होती। और मैं आम शहरी की क्या बात करूं, मैं खुद वजीर तालीम भी रहा, अल्लाह ताला ने मुझे पिछले 50 साल जिंदगी में, 50 साल समझे तजर्बा, एज तो अल्लाह की जी मेहरबानी से मेरी 70 ईयर हो गई है, लेकिन मेरे 50 साल के जिंदगी का तजर्बा है जो मैं काम कर रहा हूँ।
तो जी इस तमाम तर पोजीशन के बाद आज मैं किसी वफाकी सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकता। किसी सूबाई सेक्रेटरी को फोन करें या वफाकी सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को, ना कोई फोन अटेंड करेगा ना कोई कॉल का जवाब देगा। लेकिन इसी इसकी क्या वजह? मुआशरे में किसी देखें, ये आम शहरी का तो क्या हाल होगा, लेकिन इसके मुकाबले में आप अदालतों को देखें कि आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में 5 रुपए की टिकट पे, 2 रुपए के टिकट पे, 15 रुपए के टिकट पे, 100 रुपए के या 300 रुपए रिट पिटीशन के लगा के घंटों जनाब जो है वो अदालतें बैठ के उनकी दादरसी करने की कोशिश करती हैं, उनको फेयर अपॉर्चुनिटी देती हैं, पेशेंट हियरिंग देती हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अदालतें जो भी सूरत हाल है उसमें बहुत आम शहरियों का आखिरी सहारा अदालतें हैं, जहां भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्प्यूट्स में, तो ये अदालतों में ही जाते हैं। तो ये बहरहाल, जो शायद मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालतों को अपने महकमों में, अपने प्रेस ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मीडिया टीम्स रखनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी को हाईलाइट करना चाहिए। लाखों मुकदमात के फैसले होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, लेकिन सही निगेटिव बात ज्यादा आती है, पॉजिटिव चीजें नहीं आती, क्योंकि जो अदालत है या जज है वो खुद नहीं बोलता, उसके जजमेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ ये सही तासुर है और हो सही भी है काफी हद तक कि डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जनाब जो इंसाफ की फराहमी का अमल खत्म हो गया है या बंद हो गया है या उसमें कोई ज्यादा पेचीदगी आ गई है, ऐसा नहीं है। नहीं काजी साहब, अगर कोई 20 साल तक अंदर रहता है बगैर वजह के अंदर रहता है और फिर छूटता है, तो उसको उसकी तो पूरी लाइफ चली गई। इसके जिम्मेदार तो अदालतें हैं ना, कौन है इसमें? अदालती जिम्मेदार होंगे ना इसकी तो। नहीं, इसमें जो है ना इमरान भाई, थोड़ा सा अगर जो है ना आप इजाजत दें तो मैं जी अर्ज जी जी करूं कि जो भी मुकदमा होता है जी उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, सही है ना। अगर क्रिमिनल केस की आप बात कर रहे हैं, क्रिमिनल केस में अगर गवाह नहीं है तो मुकदमा नहीं चलता आगे। कभी जेल बिल्कुल से अगर मुलजिम नहीं आया तो मुकदमा नहीं चलता। कभी जमानत पे रिहा शुदा मुलजिम अगर एब्सेंट हो गया, या कभी उनके वकला इकराम नहीं है, या कभी प्रिजाइडिंग सही ऑफिसर नहीं है, तो ये जो ताखीर की जिम्मेदारी है ये सिर्फ अदालतों पर नहीं आती। सही और कई बड़े बड़े जनाब हमारे मुकदमात हैं जो तारीख का हिस्सा भी हैं और आज भी अखबारात में आते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि मुलजिमान की तरफ से कितनी एडजॉर्मेंट्स मांगी जाती हैं। तो ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, सिर्फ अदालत ही जो है ना मेरे ख्याल में जिम्मेदार नहीं है, उसके साथ जी मुआशरा का भी अपना रोल है। तो हम सही सभी किसी ना किसी हद तक अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें तो मेरे ख्याल है काफी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आप ये समझते हैं कि अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए तो इन चीजों पे कंट्रोल पाया जा सकता है, और ये जो लोग एक अरसे तक जेलों में बंद रहते हैं वो जल्द से जल्द रिहा भी हो सकते हैं और उन्हें सजाएं भी मिल सकती हैं, आप ये समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बल्कि मैं तो अर्ज करूं, मैंने तो कोई अब हो गए शायद 35 साल पहले, उस जी वक्त मैंने ये मशवरा दिया था कि जनाब आप वकला मजिस्ट्रेट बनाएं, वकला जजेज आप बनाएं और स्पेशल असाइनमेंट दें आप, जो बैकलॉग को सही निकालने के लिए जो है वो स्पेशल, आप पिछले दिनों
हुकूमत के उस वक्त वजीर कानून साहब इवनिंग कोर्ट्स की भी बात कर रहे थे, तो जरूरत इस अम्र की है कि अदालतों में जो है वो तादाद में भी इजाफा किया जाए और वकला और साइलीन और मुद्दा अलह और मुलजमान वो भी ताउन करें ताकि इस सिस्टम को चलाने के लिए मुकदमात की जल्द फैसलों के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ अदालत ही के ऊपर मुनासिर नहीं होता। सही कई साहब, आपने जैसे कहा कि तरामीम होती रहती हैं और तरामीम पहले भी हुई और आइन को ज़ाहिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तरामीम करके उसको सही किया जा सकता है। आप ये बताइए कि जो 18वीं तरमीम की जो 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 उसको लागू किया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं एज ए जज? आप क्या कैसा देखते हैं उसको? क्या सही है वो सब उसमें जो काम किया गया, जो तरमीम की गई? देखिए, आइनी तरामीम वो तो जो 18वीं आइनी तरमीम थी उसकी बाकायदा जो कमीशन और कमेटी बाकायदा कायम की गई थी मियाँ रजा रब्बानी की सरबराही में, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो उसमें मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ सही। जो भी तरामीम हुई हैं अच्छी तरामीम हुई हैं, और वक्त के साथ जरूरत के मुताबिक मजीद तरामीम की भी गुंजाइश मौजूद रहती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम जो है होनी नहीं चाहिए थी, उससे नुकसान हुआ है। आप समझते हैं नुकसान हुआ है? नहीं, वो कोई पार्टिकुलर अमेंडमेंट बताए ना, कोई एक आर्टिकल कि ये आर्टिकल जो है ये अवामी मुफाद के खिलाफ है, तो ये जी जनरलाइज बात तो समझ में नहीं आती। स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये आर्टिकल आइन का पहले था, अब ये तरमीम करके नया आर्टिकल ये है, तो इसमें तो इस तरह से कुछ समझ में आ सकती है बात। सदर साहब के जो इख्तियार कम किए गए हैं, गवर्नर साहबान के इख्तियार कम किए गए हैं, उसके हवाले से लोग कहना चाहते हैं कि पहले जो है सदर किसी को हटा सकता था, एक्शन ले सकता था, अब वो नहीं ले सकता। इसमें भी जो हवाला है वो है आइन के आर्टिकल 58(2)(b) की तरफ, जी और जो आर्टिकल उसमें प्रेसिडेंट के अख्तियार थे कि वो जी जो है किसी भी हुकूमत को बरतरफ कर सकते थे, जैसे जी बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत को 1988 में बरतरफ किया गया, इसी तरीके से जी फिर 1990 में मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत हुई, फिर 1993 के बाद 96 में दोबारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब साहिबा की हुकूमत को किया गया। लेकिन ये पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये तरामीम जो की है ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने की है, और ये आइनी तरामीम को अवाम की मुंतखब क्यादत में तमाम सियासी जमातों के मुत्तफिका जो है वो फैसलों के मुताबिक ये आइनी तरामीम आई है। तो जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में प्रेसिडेंट या गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक्ट करना पड़ता है आइन का आर्टिकल 105 के तहत, और बाज़ जगह जहाँ पर कानून में प्रेसिडेंट के पावर हैं वहाँ पर बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सही। ये लेकिन जो तो काई आर्टिकल साहब, 10 जी, जी जी काई साहब, मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा तरामीम होती हैं और अवामी नुमाइंदे करते हैं, अभी कुछ अर्से पहले अवामी नुमाइंदों ने ये तरामीम पेश की कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दिया जाए, जो दूसरी अवामी हुकूमत आती है वो उसको रद्द कर देती है। तो ये कैसा मतलब निजाम है, ये किस तरह से है कि मतलब एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने में, उनको आप बिल्कुल बेहतर साइडलाइन कर देते हैं और उनकी जो है जो ताकत है उसे छीन लेते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक हुकूमत करती है, दूसरी हटा देती है उसको। नहीं है। पहली मर्तबा जो है कोशिश की गई थी, जी और अब मेरा ख्याल है अब जो मुल्क में माहौल है तो इलेक्शन के बाद जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी पार्लियामेंट आएगी तो वो तरामीम मसीद भी कर सकती है,
और इस इशू के ऊपर मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि जी ये इशू अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है जेरे इल्तवा है, जो अच्छा हाँ इसके ऊपर बाकायदा जो ये तरमीम आई, इस तरमीम के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी के सरबरा हैं उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिट पिटीशन दाखिल की है, और वो बड़ी अच्छी रिट पिटीशन है। मैंने उसको पढ़ा भी है रिट पिटीशन को, और इसलिए मैटर सब जुडिस है तो मैं ज्यादा इस पे राय देना मुनासिब नहीं समझूंगा। जी डॉक्टर साहब, फिर भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सरबरा होता है पार्टी का, पार्लियामानी पार्टी का, वोट जब्त कर सकता है? जैसे अभी ये केस एक चला और उसमें जाहिर है तहरीक इंसाफ एक तरफ आ गई तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या वोट का को जब्त कर सकता है सरबरा, जो पार्टी सरबरा होता है पार्लियामानी वोट? असल में इसमें जो आईन का आर्टिकल 63A है जी उसमें एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। जी तो जो प्रोसीजर में यह है कि पहले जो पार्लिमानी पार्टी है जी जी वो फैसला करती है कि क्या हमने एक्शन लेना है, किसी में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना, किसको सपोर्ट। तो जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला है उसके बाद अगर कोई उसकी वायलेशन करता है तो वो फिर पार्टी सरबरा का इख्तियार है कि वो उस वायलेशन पर जो रुकन है उसके खिलाफ क्या तदबीरी कार्रवाई करे, सही माफ कर दे या उसको कोई और एक्शन ले, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसको जो है मैटर रेफर कर दे कि इनकी सीट को जो है वायलेशन के ऊपर खत्म कर दिया जाए। तो अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अभी जजमेंट परवेज इलाही साहब की पिटीशन पर दिया है और उसके अभी रीजंस आएंगे फर्दर। तो पहले भी ये 2000 जो है ना, पहले भी ये हुआ है और इसके ऊपर 5-6 पहले भी जजमेंट मौजूद हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। लेकिन ये लेटेस्ट जजमेंट परवेज इलाही साहब का, जी इसमें ये चीज को और वाज़ा कर दिया जाएगा। सही भाई साहब, मैं एक और सवाल आपसे इसी हवाले से, बहुत आवाज आ रही है फुल कोर्ट के हवाले से, फुल कोर्ट है क्या? मतलब शायद मेरे ख्याल से लोगों को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि फुल कोर्ट होता क्या है, फुल कोर्ट में क्या होता है और किस तरह से जजेस को अपॉइंट करके फैसलों की तरफ ले जाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि फुल कोर्ट है क्या? असल में ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के अपने कवानीन हैं जी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत ये चीफ जी जस्टिस का इख्तियार है कि वो मुख्तलिफ बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करें। सही तो नॉर्मली तो 3 रुकनी बेंच को भी फुल कोर्ट कहा जाता है, सही फुल बेंच, फुल कोर्ट नहीं, फुल बेंच कहा जाता है। और उसके जी साथ साथ लार्जर बेंचेस भी होती हैं, 4 जजेस की भी होती हैं, 5 की भी होती हैं, 5 से ज़्यादा भी होती हैं, 11 भी होती हैं, 17 भी होती हैं। तो सही फुल कोर्ट में मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात कई ऐसे क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जहाँ पर मुनासिब चीफ जैसा अगर समझते हैं तो वो तमाम ऑनरेबल जजेस को बेंच बनाकर और उनके सामने वो अपनी सरबराही में सुनते हैं। तो सही ये इस तरह के पहले भी 3-4 केसेस में फुल कोर्ट बैठी हैं तमाम के तमाम जजेस, लेकिन ये मुद्दई का ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो अपनी मर्जी की बेंच के लिए डिमांड करे। ये चीफ सही जस्टिस साहब की अपनी जवाबदेही है कि वो अगर मुनासिब समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का जो है ताल्लुक वो चीफ जस्टिस के इख्तियार है और उनके इख्तियार के अंदर ही आता है। उनकी मर्जी है कि वो फुल कोर्ट मुनासिब समझे, 3 रुकनी या 1 रुकनी भी होते हैं, सिंगल जज का फैसला भी
सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और तमाम जजेस का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला काउंट होता है। सही, तो मतलब ये हुआ कि मतलब वो तो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उमर बंदियाल साहब, उन्हीं के जवाब दे दिए कि वो बनाए बनाए ना बनाए ना बनाए, हाँ मतलब उस पर कोई और वो नहीं, हाँ ये एक टोटल जुडिशियल उनके प्रोसेस बनाए है। जाता है। इसमें इमरान साहब और जो है ना, ये नहीं समझना चाहिए कि वो जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते। सही, ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड का काम जरूर है, लेकिन वो जुडिशियल ऑफिसर है, उनका हर एक्शन जुडिशियल है, तो वो सही, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, वजूहात देखते हैं, उनको तो उसमें मुनासिब समझते हैं, तो वो लार्जर बेंचें भी बनती रही हैं और आइंदा भी बनती रहेंगी। सही सही। काई साहब, आपका एक बड़ा काम, एक बड़ा कारनामा पाकिस्तानी तारीख में, जाहिर है जब तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम सर फहरिस्त होगा, कि आपने 70 साल में पहली दफा एक लॉ यूनिवर्सिटी का कायम अमल में लाया, और वो माशाल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो चल रही है, उसमें जाहिर है नए तलबा को एक मौका मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, और ये एक बड़ी बड़ा काम आपकी तरफ से हुआ, ये जाहिर है आपके सर है ये सेहरा सारा का सारा। किस तरह से देखते हैं लॉ यूनिवर्सिटी के जो फ्यूचर है आपको किस तरह से देखते हैं? हाँ, इसमें ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और इसमें जो हुकूमत वक्त के ताउन के बगैर और उनकी सरपरस्ती के बगैर ये पॉसिबल नहीं। तो उस वक्त गवर्नर सिंह डॉक्टर तब्दुल्लिबाद साहब थे और वजीर आला सिंह कायम अली शाह साहब थे, बाद में वजीर आला मुराद अली शाह साहब थे। तो इन सब के ताउन से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब थे, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, उसके चेयरमैन डॉक्टर आसिम हुसैन साहब थे, और जी सेक्रेटरी एजुकेशन उस वक्त डॉक्टर फजल पेशोहो साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन मिला, और जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी उस वक्त शुएब अहमद सिद्दीकी साहब थे, और जी जो सरताज अजीज साहब प्लानिंग डेवलपमेंट के उस वक्त एडवाइजर हैविंग द पावर्स ऑफ द मिनिस्टर थे। तो मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी से एलोकेशन ऑफ लैंड के हवाले से और जी फंड्स के हवाले से, मेरे PC1 की अप्रूव कराने के हवाले से, तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें सबने मुझसे मुकम्मल ताउन किया, और उन सब जी के ताउन के वजह से ही अल्लाह ताला ने जो है यूनिवर्सिटी को कायम किया। कोरंगी में तकरीबन 14 एकड़ के ऊपर 1 अरब 11 करोड़ के करीब की लागत से इमारत जी काफी हो गई है, बाकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अल्लाह पाकिस्तान में पहली मर्तबा, देखे ना, रूल ऑफ लॉ के लिए और मुल्क की जी तरक्की और इस्तेकाम और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए तमाम शहरियों का कानून से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है। जी तो पाकिस्तान पहली लॉ यूनिवर्सिटी कायम हुई, उसमें डिसिप्लिन और एक्सपेंशन भी इंशाल्लाह, और क्लिफ्टन जैसी प्राइम लैंड हमें मिली, और वहाँ पर हमने जो कैंपस भी आज भी काम कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये तमाम सूबाई वफाकी हुकूमतों के साथ साथ ये हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन सब ने, फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे उस वक्त, बाद में जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब, हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो पहले रहे, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, जी जस्टिस अहमद अली शेख साहब, तो सब ने ही बड़ा ताउन किया, और सबके ताउन से अल्लाह ताला ने जो है मुझे इस काबिल किया कि पाकिस्तान की पहली लॉ यूनिवर्सिटी न सिर्फ कायम की गई, बल्कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से
उसका 2018 में कॉन्वोकेशन भी हुआ और हमने डिग्रीज भी अवार्ड की, और आज भी बल्कि आज के अखबारात में यूनिवर्सिटी की जानिब से दाखिलों के भी इश्तहारात जो है वो आए हैं 2022 के हवाले से। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और ये भी अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज करूँ जी कि ये लॉज यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा बड़ा पुराना मेरा ख्वाब था और मेरी ख्वाहिश थी। जब मैं खुद वजीर तालीम था तो मैं SM लॉ कॉलेज भी मैंने विजिट किया और वहाँ भी मैंने उनको कहा था कि आप लोग आए, मैं आपकी मदद करता हूँ, इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। मेरी अपनी सोशल लेजिस्लेशन की और बुक है जो LLM में रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल रेफर की जाती है, उसके प्रीफेस में भी मैंने जो है ना लिखा था कि मैं जो है लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो गवर्नर इशरत इब्बास साहब, उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे, अयाज सोमरो साहब लॉ मिनिस्टर थे सिंध के, पीर मजहरुल हक साहब उस वक्त सिंध के वजीर तालीम थे, तो इन सब ने जो है वो मिलके हमारा साथ दिया। तो सिंध असम्बली से चार्टर भी पास हुआ और 2013 में चार्टर पास हुआ। 2 साल तक ना मुझे तनख्वाह मिली ना कोई फंड मिले थे, लेकिन मैं अपनी जेब से ही खर्च करता रहा और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको जो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी, बल्कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे कह रहे थे कि कैसा भी आप खर्चा नहीं करेंगे डूब जाएगा। मैंने उनको कहा कि माय लॉर्ड ये डूबेगा नहीं, ये राह खुदा में भी है और कौम के लिए बड़ा जरूरी है, और अगर मैं अपनी जेब से अभी खर्चा नहीं करूंगा तो ये खड़ी नहीं होगी यूनिवर्सिटी। तो वो तो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, ना तनख्वाह मिली थी, ना एक हाथ में चार्टर था और अपॉइंटमेंट लेटर था और कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, हुकूमतों ने सब ने तआवुन किया और आज इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी अपनी जगह काम कर रही है। और इंशाअल्लाह मैंने यहाँ पर बरतानिया की भी जामियात से मुआहदे किए थे, तो बहरहाल अब मैं तो अल्लाह का शुक्र है मैं मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह। जी आपने उस वक्त में जाहिर जब वाइस चांसलर थे तो आपने इंटरव्यू में भी यहाँ पे कहा था कि जनाब हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ पढ़ने जाएं और वहाँ तालीम हासिल करें क्योंकि हम एजुकेशन सस्ती देंगे वहाँ पे। तो आप किस हद तक कामयाब हुए और जो इलाहाक आपका यहाँ यूनिवर्सिटी से हुआ था क्या वो अभी कायम है या उसमें कुछ मतलब कुछ लोग यहाँ से वहाँ मूव हुए पढ़ने के लिए? नहीं, वो तो अभी मरहला नहीं आया था और जी जी। उसके ऊपर फर्दर क्या हो रहा है तो वो मैं फिर 2019 में मैं फिर सदर पाकिस्तान ने जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट से आई वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, तो वो फिर मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब थे डॉक्टर फरूक नसीम साहब, तो उन्होंने भी मुझे जो है जो है गुजारिश मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है तो आप आके FST को भी आप बनाएं, तो आप तो मैं फिर FST में गया और वहाँ भी अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मौका मिला कि कराची में हमने तकरीबन 700 गज का पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में फेडरल कैबिनेट से इमरान खान साहब की सरबराही में प्लॉट अलॉट कराया, उसके ऊपर PC1 मंजूर, तो ये सिलसिला जी, तो वो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में भी काफी जो है एक्सपेंशन का काम हुआ। तो अब वहाँ की यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे वहाँ का अब ज्यादा इल्म नहीं है। सही सही है, ठीक है गाइस। अब मैं इसी हवाले से कि जो आप पूरा तकरीबन आपने जाहिर काम उसके लिए बहुत ज्यादा किया और वो आप शब रोज आपने उसके लिए मेहनत की, तो जाहिर उस उसके लिए जाहिर ये सवाल तो बनते थे आपसे पूछना कि क्या वो जो आपका ख्वाब है कि लोग यहाँ से वहां जाके तालीम हासिल करें तो उसमें किस हद तक कामयाबी, जाहिर वाइस चांसलर आप कोई और है तो इस पे ज्यादा आप सही फरमा रहे हैं, बात ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कितने संजीदा हैं लोग कि ये काम हो सके और
इस यूनिवर्सिटी की और मजीद ब्रांचेस बनाई जाएं दूसरे सूबों तक जो है, क्योंकि जब तक आप, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में फरमाया कि जब तक हमारे पास जजेस नहीं होंगे, वकला अच्छा अच्छा तालीम याफ्ता लोग नहीं होंगे, तो हम सिस्टम को सही नहीं कर सकते। तो उस सिस्टम को सही करने के लिए ऐसे इदारों की जरूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बेशक पैगाम आप और सूबों तक पहुंचाने के हक में है? कोई बातचीत आपने की दूसरे सूबों से कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे भी कायम की जाए? ये मैंने तो जब मैं वाइस चांसलर था तो उस वक्त मैं गवर्नर पंजाब से भी मैंने गुजारिश की थी, और एक एक मरहले पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई थी। वो असल में उनका ख्याल था कि मुल्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का कैंपस कायम करें, तो जी मैंने उनसे गुजारिश की थी कि हमारा जो चार्टर है, जो हमारा सिंध असेंबली ने एक्ट मंजूर किया है, उसमें ये कराची की हद तक है। तो मैंने उनको गुजारिश की थी कि आप इसमें अमेंडमेंट कराएं, और आप जो है ना, सिर्फ मुल्तान के लिए नहीं, आप चारों सूबों के लिए जो है बिल्कुल ये अमेंड लॉ में कराएं, ताकि ये लॉ यूनिवर्सिटी तमाम सूबों में जो है ना कायम हो। क्योंकि जी जो लॉ यूनिवर्सिटी, तो वो उन्होंने कहा भी था कि हाँ मैं ये करूँगा, लेकिन उसके बाद जो है मैं वहाँ रहा नहीं, तो उसको मैं फर्दर फॉलो अप नहीं कर सका, और मुझे सही उम्मीद है कि उसके ऊपर फर्दर कोई काम शायद हुआ हो। सही भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश आपकी कि आप इस प्रोग्राम में इंतहाई मसरूफियत के बावजूद आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं आपका तहे दिल से, हिदायत टीवी आपका तहे दिल से मशहूर ममनून है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब आप आएंगे इसका प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बनेंगे, ताकि लोगों तक जो है आपका पैगाम पहुंचे, आपकी बातें पहुंचे, जो काम आपने किए और जो आने वाले लोग काम करेंगे उनको एक मशाल राह मिल जाए, उनको एक रास्ता मिल जाए, जैसे आप बयान फरमाते। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, मैं आपका तहे दिल से मशहूर ममनून हूँ। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, और आपके टीवी के साथ, आपके डायरेक्टर्स का, आपके इंतज़ामिया का, और ज़ाती तौर पर आपका बड़ा मशहूर हूँ। पहले भी आपने मुझे मौका दिया, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हमारे तालिबे इल्मों तक और हमारे शहरियों तक भी पहुँचा था, और वो हमारी यूनिवर्सिटी की कामयाबी में आपके प्रोग्राम्स ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आऊँगा तो ज़रूर आपसे नियाज हासिल करूँगा। अगर एक मैं जी तसी कर दूँ, यहाँ पर मैं आया था, मेरी बेटी डॉक्टर अम्मारा, तो जी शी डिड MS इन ओरल बायोलॉजी फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी, वो लॉ से नहीं थी, और काजी हुसैन अच्छा अली ही डिड LLM फ्रॉम सिटी यूनिवर्सिटी एंड डिड बारेट लॉ फ्रॉम लिंकन सिन। तो आपने मुबारकबाद दी, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, और मेरी दुआ है कि आपके इदारे को और तरक्की व कामरानी अता हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शुक्रिया साहब, आपका। बड़ी नवाजिश। और आप सुन रहे थे जनाब काजी खालिद अली साहब को, और आपने उनके उनके जो आ रहे हैं उसको जाना कि वो क्या फरमा रहे हैं। जाहिर है एक जो है गैप तो है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा गैप है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, कि हमारे पास जजेस की तादाद बहुत कम है। फैसला करने वाले, फैसला सुनने वाले जाहिर है वो मौजूद ही नहीं है। तो जाहिर है लोग, हमारे जो आम लोग हैं वो इसी तरह जेलों में पड़े रहते हैं, एक अरसे तक पड़े रहते हैं। और ये बात काजी साहब ने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में हमसे कही थी, और जाहिर आला अदालतें, भले उसमें साकिब निसार साहब हो, इफ्तखार साहब हो, और जो भी जितने भी तसद्दुक जिलानी साहब हो, जितने भी हमारे ऑनरेबल जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान गुजरे, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि भाई निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमें ये तमाम लोग, नए जजेस की अपॉइंटमेंट जरूरी है। और ये इसमें क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं ये जो है जजेस फराहम नहीं किया जा रहे, ये तो एक सवाल ही निशान है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि क्यों ऐसे अहम इदारे के लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, और क्या वजह है इसकी। हम अपने प्रोटोकॉल पे, अपनी चीजों पे, अपनी मतलब कि जो भी हमें चाहिए उसके लिए के ऊपर कितना पैसा खर्च कर देती है हुकूमतें, हमारे वज़ीरे आला, हमारे वजीर आजम, हमारे तमाम जो है हुकूमती अराकीन है, कितना प्रोटोकॉल पे पैसा खर्च करते हैं। अगर इसी पैसे को बचाया जाए और इस निज़ाम पे लगाया जाए, तो मुझे उम्मीद है, बल्कि हम सबको उम्मीद है कि निज़ाम बेहतर होगा, उसमें गुंजाइश है, उसमें जगह है। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए, अल्लाह ने के बाद।